सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसवीर सिंह ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका भाई आ चुका है। फिलहाल हमने एग्जिट कर लिया है चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन से, वो कि इसलिए क्योंकि हमें जाना है लाल कुआं पतंगों की मार्केट में। तो मेरा कोई भी भाई अगर लाल कुआं आना चाहता है तो वो चावड़ी बाजार मेट्रो से एग्जिट करने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस है ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट का, तो अपना पैदल पैदल भी जा चुका है, उसको कोई व्हीकल या कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, बने रहना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और आपको पूरी मार्केट दिखाते हैं, पूरी मार्केट आपको एक्सप्लोर भी कराते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें। एग्जिट करने के बाद जब बाहर निकलोगे तो आपको ऐसा जाम मिलने वाला है, और ये जाम इधर ही नहीं पूरी जगह पे ऐसा जाम लगा पड़ा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी बाइक स्कूटी से ना या गाड़ी से ना आके आप मेट्रो से ही आए, बाकी फिर अपनी मनमर्जी वाली बात है भाई। तो अगर कोई अपनी गाड़ी से आना चाहता है तो अपनी गाड़ी से भी आ सकता है। अब लाल कुआं अपनी बाइक या स्कूटी से अगर आते हैं तो दिक्कत एक ये भी है आपको, अगर आप कहीं रोड पर अगर आप अपनी बाइक या स्कूटी खड़ी करते हैं तो ये जो हमारे 4-5 भाई जो लगे पड़े हैं गाड़ियाँ ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक दिक्कत ये भी है आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी, फिर वो छोड़ेंगे भी नहीं। तो इसलिए मेरा कहना यही है, अब आप मेट्रो से आएँ तो वो बेस्ट है आपके लिए। फिलहाल आप इस टाइम पर रौनक देख सकते हैं लाल कुएं के अंदर कितनी है, और पतंगों की जो स्टार्टिंग है अभी से चालू हो चुकी है। जो हमारा एक भाई है जो अपना सैकड़ा लेके जा रहा है पतंगों का, और आप दोनों अपने लेफ्ट एंड राइट साइड पे आप देख सकते हैं इतनी शॉप्स जो है पतंगों से जो ठसा ठस भर रखी हैं, मतलब खूब जोर शोर से तैयारी चल रही है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं पतंगें खरीद के ले लेकर जा रहे हैं। आप भी देरी ना करें, जल्दी से जल्द आएँ, लाल कुआं पतंग खरीदें, और जो त्यौहार है 15 अगस्त का इसको इन्जॉय करें अच्छी तरह से। और मेरी एक यही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, जो चाइना का जो मान जाए, जितना भी चाइना का जो माल है आप उसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, आप इंडिया जो है इंडिया का जो माल है आप उसको यूज़ करें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है सबसे, और वीडियो के साथ बने रहें। सो फिलहाल अब हम पहुंच चुके हैं जफर काइट सेंटर पे, आपको लेकर चलते हैं और वहाँ पे आपको बताते हैं इनके पास जो है 90 पैसे जो स्टार्टिंग है पतंग्स और कहाँ तक ख़त्म होती है एंड, वो आपको सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चलते हैं आपको जफर भाई के पास लेकर। बैनर है जफर काइट सेंटर का, बाजार लाल कुआं दिल्ली। तो ये शॉप है भाई की हमारे, यहाँ पर आपको A to Z सामान मिलने वाला है। यहाँ पे आपको पतंग मिलने वाली है, आपको यहाँ पे मांझा मिलने वाला है, पतंग का आप साइज़ देख सकते हैं, पतंग का साइज़ जो है कितना बड़ा आपको इनके पास मिलने वाला है। और सबसे ज़्यादा ट्रेंड तो हमारे सिद्धू भाई का चल रहा है, और मैं तो आपसे एक बात यही कहना चाहूँगा कि पूरे आसमान में सिद्धू कर दो, चारों तरफ सिद्धू ही होनी चाहिए। और आपको देखते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए जो पतंग्स मिल रखी है कार्टून वाली, मतलब सब तरीके की यहाँ पे पतंग्स भी है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जो है पतंग में बने हुए हैं, आपको सब तरीके की यहाँ पे पतंग मिल जाएगी। तो अब करते हैं भाई से बात और मिलते हैं। तो आइए चलो भैया के पास लेकर चलते हैं और भैया से बात करते हैं, A to Z एक मतलब पतंगों का रेट लेते हैं, और आप वीडियो देखकर आओगे आपको वही रेट मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है आपने वीडियो में रेट अलग देखा और आपको वीडियो के बाद जो है आप यहाँ पे आओगे तो रेट अलग मिलेगा। तो भैया से बात करते हैं, भैया कैसे हो आप? जी बढ़िया हूँ। तो भैया आपके पास कितने से स्टार्ट है पतंग, और कितने तक की लास्ट पतंग होने वाली है, और जो कस्टमरों को है इस बार जो 15 अगस्त पे है क्या बढ़िया डिस्काउंट मिलने वाला है, ये सब आप हमें बताना है वीडियो के अंदर। आप सबसे पहले सबसे सस्ती पतंग हमें आप दिखा दीजिए। ये पड़ती है हमारे यहाँ 90 रुपये की 100 पीस। 90 रुपये के 100 पीस, मतलब 90 पैसे रुपये की एक पतंग। जी 90 पैसे की एक पतंग, जो मार्केट के जो होलसेल रेट हैं ये, और बाकी दुकान पे जाती है वो 2 रुपये की बेचते हैं इसको पतंग। अच्छा, तो मतलब यहाँ से लेके जाने के बाद जो है लोग यहाँ आगे मार्केट में 2 रुपये की बेचते हैं। तो मतलब आपका ये कहना है अगर आप हमारे पास आओगे तो आपको 90 पैसे की पतंग मिलेगी, और लोगों से रेट जो है हमारे वही रहेंगे, हम कहीं और जाके फालतू रेट में नहीं बेचेंगे। चलो आगे बताइए। आगे ये 1 रुपये 60 पैसे की पड़ती है, जो 3 रुपये सेल होती है। अच्छा 1 रुपये 60 पैसे जो 3 रुपये सेल होती है। हाँ तो अच्छा, और आगे ये 2 रुपये पीस पड़ती है, ये वाली 2 रुपये पीस पड़ती है, और 3 रुपये की बेचते हैं लोग 2 रुपये की पीस। अच्छा, तो ये बच्चों के लिए सबसे बढ़िया जो ये चीज़ है, बच्चों के लिए 15 अगस्त के लिए जो सबसे बढ़िया है, मतलब इस पर कार्टून बने हुए, बच्चों का भी दिल नहीं दुखता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं कार्टून देख के, चाहे भले ही बच्चों को पतंग उड़ानी ना आती हो तो पर बच्चों के हाथों में ये रहती है ना पतंग कि हाँ हमें भी मिली है, और वो खुश रहते हैं, और हमें खुशी का मौका, हमारा जो है त्यौहार है और हमें क्या चाहिए, खुशियाँ चाहिए हमें त्यौहारों में, क्यों भैया? बिल्कुल। तो आगे बताइए कोई। आगे ये इसका ही बड़ा साइज पड़ता है, छोटा भीम 400 रुपये 100 का। 400 रुपये सैकड़ा, 400 रुपये सैकड़ा, मतलब 4 रुपये की एक पतंग। एक पतंग। चलो भैया आगे बताइए।
आगे ये पड़ती तो भैया इसका ये क्या है, मतलब इसकी जो पूंछ निकली हुई है इसका कुछ नाम तो होगा। इसको बोलते हैं तुक्कल पतंग। तुक्कल पतंग, टुकड़ी पतंग, टुकड़ी पतंग जो लंबी होती है, लंबी होती है। ये 3.50 रुपए की पड़ती है। 3.50 रुपए। अच्छा जी, सिद्धू मूसा। हाँ, आजकल जो है 15 अगस्त पे जो सबसे ज्यादा जो ट्रेंड है ना वो सिद्धू भाई का ही है। अब वैसे तो रहती दुनिया तक सिद्धू भाई का नाम रहेगा, पर जो सबसे ज्यादा जो ट्रेंड है ना सिद्धू भाई का ही है। और मेरे को लग रहा है इस बार पूरे 15 अगस्त में आसमान में सिद्धू भाई छाने वाले हैं। बिल्कुल 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 जी। तो एक बार कह दो, दिलदानी माड़ा, दिलदा माड़ा, तेरा सिद्धू मूसे वाला, सिद्धू मूसे वाला। चलो, तो ये क्या रेट है हमारे सिद्धू भाई का? सिद्धू भाई का 5 रुपए पीस है। 5 रुपए पीस है, मतलब साइड में पूरे झूमर वगैरह आपने सब कुछ लगा रखे हैं इसमें है। आगे बताइए। अच्छा जी, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा जो तिरंगे का जो आप पतंग के ऊपर बना हुआ है इतना खूबसूरत, इसका क्या रेट है? वैसे इस तिरंगे का तो कोई मूल नहीं है, कोई इसका कोई रेट नहीं लगा सकता, पर वैसे पतंग के उसमें है तो इसका क्या रेट आया है? इसका 6 रुपए पीस का रेट है। 6 रुपए पीस का रेट है। 600 रुपए। 600 रुपए सैकड़ा। चलो अच्छी बात है। आगे कुछ, अब कागज वाली पतंग दिखाओ आप, कोई बढ़िया सी। नया प्रिंट है ये। अच्छा, ये नया प्रिंट आया है। इसको बोलते हैं मटका। मटका। अच्छा। इसके कई सारे नाम हैं वैसे तो। क्या रेट है इसका? इसका है 8 रुपए पीस। 800 रुपए। हाल आ चुके हैं हम दुकान के अंदर, और दुकान के अंदर का ये आप देख सकते हो चारों तरफ पतंग ही पतंग। और भैया के पास एक अच्छी बात ये है कि भैया के पास जो है ना सारे के सारे ही नए डिज़ाइन आए हुए हैं पतंगों के। जैसे एक ये डिज़ाइन नया आया है चेक में, भाई कह रहे हैं पतंग बहुत अच्छी है, और अभी अभी हमारे पास नई पतंग ही आई है। तो करते हैं भाई से बात अब, और देखते हैं भाई अब क्या दिखाने वाले हैं हमें कुछ नया और क्या नहीं। तो भाई क्या नया दिखाने वाले हो आप जी? आप बताओ नया क्या दिखाएं आपको। आप हमें कागज के उसमें नया कोई आइटम दिखा दो, जो आप हमें बता रहे हो कागज के उसमें कोई नई आइटम आई है वो बता दो। नई आइटम तो हमारे पास ही चेक्स में आई है अभी। ये चेक में आई है? हाँ, चेक्स। क्या रेट है इसका? इसको 600 रुपए सैकड़ा है। 600 रुपए सैकड़ा, मतलब 6 रुपए की पतंग। 6 रुपए की पतंग। 6 रुपए की पतंग। और ये है बरेली। अच्छा, बरेली की मंजूरी। हाँ, ये बरेली की। बरेली की जो पतंगे हैं इसका क्या रेट आ जाता है? इसका रेट आ जाता है आपको, ये पड़ जाती है 700 रुपए सैकड़ा। 700 रुपए सैकड़ा, यानी कि 7 रुपए की एक पतंग पड़ने वाली। ये होलसेल है रेट? ये रिटेल है। होलसेल में 500 रुपए की पड़ती है। होलसेल में आपको 500 रुपए की पड़ती है, मतलब 200 रुपए और कम हो जाती है। तो यही जो पतंग आपको मार्केट में बाहर 7 रुपए, 8 रुपए या 10 रुपए तक की भी मिल जाती है, अगर आप होलसेल भाई के पास आते हो लेते हो तो ये 5 रुपए आपको पड़ने वाली है, यानी कि 500 रुपए सैकड़ा। एक ये है जो हमारे यहाँ की पतंग रह गई थी दिखाने को आपको, न्यू डिजाइन। अच्छा, ये न्यू डिजाइन है बिल्कुल जी। ये पन्नी वाले के जो अंदर है, मैंने पन्नी इस बार वाले देखा का है, बिल्कुल न्यू डिजाइन है। अंदर जो है डिजाइन खूब नया आया हुआ इस बार। इसमें 3-4 डिजाइन है और हमारे यहाँ की बनी हुई है, हमारे कारखाने की। अच्छा, ये आपने खुद बनवाई हुई है कारखाने में? 3-4 डिजाइन इसमें और मिल जाएंगे बिल्कुल। चलो आप और दिखाइए। ये आती है 4.50 रुपए की पतंग। 4.50 रुपए। अच्छा, 450 रुपए सैकड़ा जी। तो भैया पतंगे आपने हमें खूब सारी दिखा दी, अब हमें एक आधा चरखड़ा दिखा दो मंजे का, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई हैं कहते हैं कि भाई पतंगे तो हमने बहुत सारी देख ली, हमें चरखड़ा भी चाहिए, हमारे को मंजा भी चाहिए, क्योंकि जब तक मंजा सद्दी नहीं होगी तो पतंग उड़ेगी नहीं। चलो आपको दिखा देता हूँ मंजा, आप दिखा दीजिए। ठीक है, ये 6 रील में आता है। जेके 6 रील में आता है। ये जेके मैदानी मांझा। मैदानी मांझा बिल्कुल, मतलब जितने बड़े बड़े जो पतंग बाज हैं वो मतलब ज्यादातर यही मांझे को यूज करते हैं। बिल्कुल, तो यही यूज होता है। ये पड़ जाता है 900 रुपए की चरखी 6 रील की। 900 रुपए की चरखड़ी 6 रील की। तो इसमें होलसेल क्या पड़ जाता है? इसमें होलसेल पड़ जाता है आपको 650 रुपए। 650 रुपए और बाहर बिकता है 900 रुपए। बिल्कुल। तो चलो ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो अब ये मंजी की जो रील है भैया के पास, आओ आप चेकआउट कर सकते हो उस पूरी शॉप को। पतंग से वगैरह सब कुछ बढ़िया है भैया के पास, चरखरा भी हमने आपको दिखाई दिया, क्योंकि ज़्यादातर जो है लोग जो है मंजा नहीं रख रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, तो भैया के पास अवेलेबल है तो हम दिखा रहे हैं सारी चीज़ें। तो आप वीडियो के साथ बने रहो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को जो सबसे ज़्यादा जो है अपने दोस्त है उनके साथ शेयर जरूर करो। सो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और अगर मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना को, और मेरी वीडियो जो है आगे शेयर करो, ताकि जो आप जैसे जो भाई है जो पतंग के जो शौकीन है, जो लाल कुआ आना चाहते हैं, जिनको सस्ती और अच्छी पतंग चाहिए, ताकि वो मेरी वीडियो देखकर आ सके डायरेक्ट यहाँ पे, और आपको रेट वही मिलेगा जो आपको मेरी पतंग मेरी वीडियो में जो आपको सुनने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।